गोंदिया में बिरसी हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया था और इस हवाई अड्डे के विस्तार के दौरान बिरसी गांव के कई घर इस हवाई अड्डे के विस्तार में बाधा बन रहे थे और इस वजह से सरकार ने उन्हें 2 साल पहले 106 घरों के पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन यह जमीन अभी भी इन घर मालिकों के नाम पर नहीं है और आज यहाँ के परिवारों को उप विभागीय अधिकारी पारवानी पाटिल ने जमीन का वितरण किया तो उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। बिरसी हवाई अड्डे के विस्तार के दौरान कई घर हवाई अड्डे के विस्तार में बाधा बन रहे थे, इसलिए विमानन प्राधिकरण द्वारा बिरसी गांव में 106 घरों को भी खाली करा लिया गया था, लेकिन पुनर्वास के लिए उन्हें जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2 साल पहले बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें जमीन दी गई है, लेकिन अभी भी जमीनें 106 परिवारों के नाम पर नहीं है और इसका परिणाम ये हुआ कि आज 106 परिवारों को सरकार ने उनके नाम पर रजिस्ट्री करा दी है और साथ ही उन्हें 7 बार दे दिया गया है, इसलिए पिछले कई वर्षों का संघर्ष आज समाप्त हो गया है और आज उन्हें अधिकार दिया गया है। उन्हें उप विभाग के अधिकारी परवानी पाटिल के हाथों से सम्मानित किया गया, जिससे इन 106 परिवारों के चेहरे पर खुशी नजर आई। देखिए, जिस हिसाब से पुनर्वसन होना चाहिए था उस हिसाब से उसकी पहली कड़ी बोले तो प्लाट, जिसकी आज 7-12 वितरण किया गया, एक थोड़ी सी उम्मीद जगी कि अब हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक के हमारे नाम का कुछ नहीं था। हमारे जो घर गए थे वो घर, अभी घर के बदले जो प्लाट मिला उसका आज 7-12 मिला, ये हमारे कहीं कहीं राहत की सांस है, क्योंकि एयरपोर्ट कब अपना हक जता दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आज पिछले 2 साल की मेहनत का रंग आज उसका खरा उतरा है और पहली जो जीत हुई है हमारे बिरसी ग्रामवासी की वो 7-12 के रूप में हुई है। 2 साल हो गए हमें प्लाट मिले हैं तो घर भी बन गए हैं और अभी रजिस्ट्री 7-12 कागज भी मिल गए, पटवारी मैडम ने दिए। ये जगह हमारे खुद के नाम पे हो गए। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पे तो जब पानी वगैरह गिरते तो छतरी ओढ़ के हम रहते थे, रात गुजारा करते थे, छतरी यानी सर के ऊपर रखते थे बच्चे के ऊपर, यानी इतनी मुश्किल थे। आज यहाँ पे घर मिले हैं, घर बना लिए, बहुत खुशी की बात है। आज हम ये जगह पे है यानी खुद के जगह महसूस हम कर सकते हैं। तर इथे एअरपोर्ट आपण एक्सटेंड केलं तेव्हा या लोकांची जमीन संपादन केली होती आणि इथे त्यांचं बिरसीला आपण पुनर्वसन केलं आहे। त्यांना प्लॉट वाटप केले गेले होते, आता ते जे प्लॉट त्यांना दिले आहेत त्या प्लॉटची रजिस्ट्री आपण त्यांच्या नावाने करून दिलेली आहे आणि त्याचे 7 बारे त्यांच्या नावाचे आपण इथे त्यांना वाटप केलेले आहेत। टोटल इथे 106 कुटुंब होते ज्यांचं आपण इथे पुनर्वसन केलेलं आहे, ऑलमोस्ट सगळ्यांचीच रजिस्ट्री झालेली आहे। फक्त ते इथे काही लोकांना 7-12 वाटप केलेले आहे, सगळ्यांचे 7-12 रेडी आहेत आणि आता थोडे फक्त 10-15 लोकांची रजिस्ट्री बाकी आहे, ती आता प्रोसिजर आमच्या ऑफिसमध्ये सुरू आहे। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।